एचआई न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। घटना ब्रिज पर एसिड का टैंकर हुआ लीकेज। बिरला ग्रह सिंह केमिकल डिवीजन का टैंकर नागदा फैक्ट्री की टीम रतलाम मौके पर पहुंची। नागदा से अहमदाबाद गुजर रहा था औद्योगिक थाना क्षेत्र का मामला। क्लोरोसुल्फोनिक एसिड भरा हुआ था। इस एसिड से बनी गैस से मानव जीवन को कोई नुकसान नहीं, फसलों को भी कोई नुकसान नहीं, फसलों में लगने वाली झिल्लियां मर जाएंगी, ऐसा नागदा के आई रेस्क्यू टीम के प्रभारी ने कहा। ये अभी जो नागदा से एक टैंकर क्लोरोसल्फोनिक एसिड का अहमदाबाद के लिए जा रहा था और मतलब लगभग 7:30-8 बजे के बाद की घटना है ये, और जैसा कि मौके पर आने के बाद पता चला, और यहाँ लीकेज होने से टैंकर में उसको उसने साइड में खड़ा कर दिया था ड्राइवर ने, और जो नागदा की रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने उसका जो एसिड हो उसको दूसरे टैंकर में शिफ्ट करने की कार्रवाई पूरी कर ली है। लगभग ट्रैफिक को भी हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया है और ऐसी कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। नहीं, एक्सपर्ट हैं टीम के जो नागदा के संबंधित लोग, उन्होंने ये बताया कि ये मानव जीवन पर, हम भी उसी गैस के आसपास ही हैं, इस तरह का कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। ये नागदा से अहमदाबाद की ओर जा रहा था, क्लोरोसल्फोनिक एसिड का टैंकर था जो डाई इंडस्ट्री में यूज़ होता है। टैंकर लीकेज हुआ है तो उसको हमने खाली करने का अरेंजमेंट कर दिया है। एक टैंकर टू टैंकर के द्वारा होस पाइप टेफ्लान होस पाइप से खाली कर रहे हैं और करीब हो भी गया है, कंप्लीट हो गया वर्क को और सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। हमारी पूरी मैकेनिकल की टीम, प्रोसेस की टीम यहाँ पे काम पे लगी हुई है और इससे एटमॉस्फेयर को और किसी भी तरह फसलों को कोई नुकसान नहीं है। लीकेज का कारण है हल्का सा पिन होल कभी हुआ होगा प्लेट के अंदर या वेल्डिंग में, तो उसकी वजह से। नो, कोई प्रभाव नहीं, इसका किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बॉडी पे। इसके ये डाइज वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में यूज होती है। कितने सदस्य दल आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ पे करीब करीब 10 लोग हैं। कितनी देर से चल रहा है ये सब? ये मोस्टली मेरा जहाँ तक ख्याल है 1.5 आवर्स में हमने कंट्रोल कर लिया है पूरी स्थिति को। ओके, इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए।